बालासुर में खौफनाक ट्रेन हादसे में 233 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा लोग जख्मी, एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट बचाव काम में मसरूफ। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम के अलावा मरकजी वुजरा ने ट्रेन हादसे पर अफसोस का किया इजहार। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने जाय हादसे का किया दौरा। उड़ीसा के वजीर आला भी जाय हादसे पर पहुंचेंगे। उड़ीसा में आज एक रोजा सरकारी शोक का ऐलान। उड़ीसा ट्रेन हादसे पर दुनिया भर से ताज़ियत का इजहार। अक़्वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर ने वाक़े पर दुख का किया इजहार। नेपाल के वजीर आजम और अमरीकी महकमा खारजा ने भी इस वाक़े पर अफसोस का किया इजहार। मालदीव के वजीर खारजा और सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने भी मुतासरा कुंभों से जाहिर की अपनी हमदर्दियां। अपने अमरीकी दौरे पर पीएम मोदी 22 जून को अमरीकी पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास से करेंगे खिताब। सदर जो बाइडेन की दावत पर हो रहा है पीएम मोदी का ये अमरीकी दौरा। अमरीका ने वजीर आजम मोदी की आमद को बताया अपने लिए एजाज की बात। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने प्री मानसून सैलाब के इंतजाम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और NDMA के डायरेक्टर और दीगर आला हुकाम भी रहे मौजूद। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में भारतीय स्टार शटलर लक्ष्य सेन आज बैंकॉक में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में थाईलैंड के कोनालावत वननसरन से करेंगे मुकाबला। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डाल देंगे इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। उड़ीसा के बालासुर में हवलनाक ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 233 तक पहुंच गई है। इस वाक़े में 900 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। जाय हादसे पर जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस जुमे की शाम तकरीबन 6:51 पर बाहंगा स्टेशन पर पटरी से उतर गई, जबकि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन जुमे की शाम 6:55 पर इसी मकाम पर पटरी से उतर गई। वाक़े की इतला मिलते ही राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। NDRF, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, स्टेट फायर डिपार्टमेंट और तिब्बी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गई हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव हादसे की जगह पर पहुँच रहे हैं। दूसरी जानी वजीर आला नवीन पटनायक भी हादसे का जायजा लेने पहुँचे। बालासुर जिले के बाहंगा करीब ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाले तकरीबन 900 लोगों को रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। ऐसे में लोग जख्मियों की मदद के लिए आगे आए हैं। जख्मियों को खून देने के लिए भद्रक के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अतिया दहनगान की लंबी कतारें देखी गईं। इस अफसोसनाक वाक़े के दौरान लोगों में इंसानियत का पहलू देखने को मिला। बालासुर में रात भर 500 यूनिट खून जमा किया गया। और ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक भुवनेश्वर में कंट्रोल रूम पहुंचे ताकि बालासुर जिले में ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद की इमदादी कार्रवाइयों का जायजा ले सकें। ट्रेन हादसे के पेश नज़र ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक ने आज रियासत में एक दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया है। पूरी रियासत में आज किसी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा। ओडिशा के बालासुर में हुए ट्रेन हादसे के बाद कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। 2253518, 2213526 हावड़ा हेल्पलाइन नंबर है, 0332638221। खड़गपुर हेल्पलाइन नंबर है 8972073925 और 9332392339। बालासुर हेल्पलाइन नंबर 7978418322 और 8249591559। शालीमार हेल्पलाइन नंबर 9903370746।
इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर है 2214-3526 और 2253-1885, इसकी एक्सटेंशन 033। ट्रेन हादसे से मुतालिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, बालासोर ओडिशा में होने वाले बदकिस्मत ट्रेन हादसे में जानों के नुकसान के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। सोगवार खानदानों से मेरी गहरी ताज़ियत। मैं इमदादी कार्रवाइयों की जल्द तकमील और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट किया, बालासोर ओडिशा में ट्रेन हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख हुआ। मेरी हमदर्दियां इस मुश्किल वक्त में सोगवार खानदानों के साथ हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए के नकद मुआवजे का ऐलान किया है। ये रकम वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से दी जाएगी। रेलवे के वजीर ने ट्रेन हादसे पर ट्वीट करते हुए कहा, ओडिशा में जाए हादसा के लिए रवाना हो गया हूं। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूं और सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार करता हूं। भुवनेश्वर और कोलकाता से रेस्क्यू टीमों को भेज जमा किया गया है। NDRF के अलावा रियासती हुकूमत की टीमें और फजाइयों को भी बचाव कामों में लगा दिया गया है। राहत और बचाव मुहिम के लिए तमाम वसाइल दस्तियाब कराए जाएंगे। ओडिशा में हुए अफसोसनाक हादसे के मुतासरीन को नकद मुआवजा दिया जाएगा। हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 2 लाख रुपए और मामूली जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बालासोर में ट्रेन हादसे के मकाम पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हम तमाम हलाक होने वालों के लिए दुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि वाकई की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी जाएगी। रेलवे सेफ्टी भी इस मामले की आजादाना तहकीकात करेगी। इस रूट पर रेल को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही बड़ी ट्रेजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमिटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई, वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। इस वाक़े पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट किया है, ओडिशा के बालासोर का ट्रेन हादसा बहुत दर्दनाक है। NDRF की टीम पहले ही जाए हादसा पर पहुंच चुकी है। सोगवार खानदानों के तई मेरी ताजियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। इस हादसे पर भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने अफसोस का इजहार किया है। इसके साथ ही उन्होंने मरकजी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद होने वाले तमाम प्रोग्रामों को मुलतवी करने का ऐलान भी किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, ट्रेन हादसा इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। मुझे इस दिलखराश वाक़े से बहुत दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन हादसे के पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी ने मरकजी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों के साथ मुल्क भर में मुनक़िद होने वाले अपने तमाम प्रोग्रामों को मुलतवी कर दिया है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि वह सोगवार खानदानों को इस सदमे को बर्दाश्त करने की ताकत दे। भगवान मरने वालों को अपने चरणों के नीचे जगह दे। ओम शांति। बालासोर जिले के बहेंगा के करीब ट्रेन हादसे में भारतीय फौज की जानिब से SK दत्ता ने बताया कि जख्मियों को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। स्थिति तो आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए, हमारे जो बंदे आए हुए थे यहाँ पे सब लगे हुए हैं कल रात से और दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एंड द डिटेल्स अबाउट कितने क्या कैजुअल्टी हुआ आप उनसे थोड़ा लगातार लगे हुए, कल रात से लगे हुए हैं। टीम तो सारे लगे हुए हैं अपने अपने जगह में जहाँ पे हो रखा है। अभी इनका एग्जैक्टली कहाँ पे किस जगह में लगा है वो थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा। लगातार है, अभी लगे थे और भी कॉलम आ रहे हैं कलकत्ता से।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, ओडिशा ट्रेन हादसे में लोगों की मौत से गहरा दुख पहुंचा है, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। और नेपाल के वजीर आजम पुष्प कमल दहल ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं भारत के ओडिशा में ट्रेन हादसे में दर्जनों अफराद की हलाकत पर गमजदा हूं। मैं गम की इस घड़ी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत और सोगवार खानदानों से अपनी गहरी ताजियत का इजहार करता हूं। ओडिशा में ट्रेन हादसे पर दुनिया भर से ताजियत का इजहार किया जा रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर सबा कोरोसी ने भी ट्वीट किया है, मुझे भारत के ओडिशा में ट्रेन हादसे की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरी हमदर्दियां और दुआएं मुतासरीन, उनके अहले खाना और हंगामी खिदमात में मसरूफ लोगों के साथ हैं। अवाम और हुकूमत हिंद से दिली ताजियत। अमरीकी महकमा खारजा की जनूबी और वस्ती एशिया के उमूर के ब्यूरो ने हलाकतों पर ताजियत का इजहार करते हुए ट्वीट किया, मशरकी भारत में होने वाले अलमनाक ट्रेन हादसे से बहुत दुखी हूं। इस वाकये में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी या हलाक होने की इत्तला हैं। इन तमाम लोगों के साथ हमारी गहरी हमदर्दियां हैं जो अपने प्यारों के नुकसान का सामना कर रहे हैं। मालदीव के वजीर खारजा अब्दुल्ला शाहिद ने भी वाकये पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत के ओडिशा में ट्रेन के अलमनाक हादसे की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, जिसमें बहुत से लोग हलाक और जख्मी हुए हैं। मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताजियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूं। सिंगापुर के हाई कमिश्नर वांग ने ओडिशा में ट्रेन हादसे पर दुख का इजहार करते हुए ट्वीट किया, बालासोर ओडिशा में ट्रेन हादसे से गहरा सदमा और गम है, हमारी हमदर्दियां सोगवारों और जख्मियों के अहले खाना के साथ हैं। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ दीगर खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे अमरीका के दौरान 22 जून को अमरीकी पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास से खिताब करेंगे। अमरीका ने कहा है कि मुश्तरक इजलास से खिताब के लिए वज़ीर आज़म मोदी को मदऊ करना हमारे लिए एजाज की बात है। दरअसल अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म मोदी को सरकारी दौरे पर अमरीका आने की दावत दी है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और अमरीकी सेनेट के मुश्तरक बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म मोदी का अमरीकी पार्लियामेंट से खिताब करना हमारे लिए फख्र की बात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी बतदरीज बढ़ रही है। इसी दौरान वज़ीर आज़म मोदी भारत के मुस्तकबिल और दोनों ममालिक को दरपेश आलमी चैलेंजों के बारे में अपने विजन के बारे में भी बात करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें आने वाले मानसून में सैलाब से निपटने की मजमू तैयारियों का जायजा लिया गया। वजीर दाखिला ने मुल्क के मुस्तकिल सैलाब के मसाइल को कम करने के लिए एक जामे पॉलिसी बनाने की गर्ज से तवील मुद्दती इकदाम का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में आफात के दौरान जानो माल के नुकसान को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त महकमा मौसमियात और सेंट्रल वाटर कमीशन 5 दिनों तक बारिश और सैलाब की पेशनगोई कर रहे हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि इसे अगले मानसून तक 7 दिन की पेशनगोई तक बढ़ा दिया जाएगा ताकि सैलाब के इंतजाम को मजीद बेहतर बनाया जा सके। वजीर दाखिला ने अगले साल मार्च तक एक जामे सॉफ्टवेयर तैयार करने की भी हिदायत दी है। वजीर दाखिला ने हुकाम को हिदायत दी कि वो मरकजी और रियासती एजेंसियों के दरमियान तालमेल को मजबूत करें ताकि मुल्क के ऐसे इलाकों में जहां पानी भर जाने के वाकयात ज्यादा होते हैं, सैलाब और पानी की सतह में इजाफे की पेशनगोई के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा सीजन में दरिया की सतह की मॉनिटरिंग फी घंटे की बुनियाद पर की जाए। अमित शाह ने तमाम मुतालिका फरीकों से यह भी कहा कि वह सैलाब से कबल पुश्तों की निगरानी, अनखला और आर्जी पनागाहों समेत मुनासिब इकदाम करें। दिव्यांग अफराद को बाइख्तियार बनाने के कौमी इदारे देहरादून में क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर 6 साल तक की उम्र के खसूसी तौर पर दिव्यांग बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इस मरकज में बचपन से ही किसी भी किस्म के जिस्मानी जहनी परेशानियों का सामना कर रहे बच्चों को शनाख्त करके उन्हें बेहतर देखभाल और तरबियत फराहम की जा रही है। इस सेंटर में मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क के बच्चे भी तरबियत हासिल करने और इलाज के लिए आ रहे हैं। देखिए ये खसूसी रिपोर्ट। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, दिव्यांग जन के क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में ये छोटे बच्चे अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ हम आहंगी और जरूरी सरगर्मियों में तवाजन पैदा करना सीख रहे हैं। दर हकीकत ये बच्चे आम बच्चों से मुख्तलिफ तौर पर माजूर हैं। 1 साल तक की उम्र के ये बच्चे अपने वालिदैन के साथ आते हैं।
यहाँ के असातिज़ा रोजाना इन तलबा को उनके घर वालों के सामने तालीम देते हैं। इन छोटे दिव्यांग बच्चों की जिंदगी की तरबियत किसी चैलेंज से कम नहीं। साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट बाकी और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेना चुनौती नहीं है, लेकिन एक प्रोफेशनल कोर्स एज ए साइकोलॉजी एज ए प्रोफेशनल कोर्स जो है ऑप्ट करना, जिसमें कि हम जैसे भारत सरकार का जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड एक प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट बनना, वो एक चुनौतीपूर्ण था। और ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दृष्टि दिव्यांग छात्रा जो है इस प्रोफेशनल प्रोग्राम में एनरोलमेंट पा सकी और जो है ये संस्थान जो है उसमें उनकी मदद कर रहा है। दर हकीकत इस इदारे का मकसद बचपन से ही खसूसी बच्चों की निशानदेही करना और उन्हें जल्द मदद फराहम करना है, ताकि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा नशोनुमा को यकीनी बनाया जा सके। क्रॉस डिसेबिलिटी यानी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में वालदेन को खुसूसी हिदायत भी दी जाती है। शौक लगा था कि क्या होगा, अब हम कैसे करेंगे हैंडल, ये चीज़ हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो यहीं पे पहले जब इनका जो इन्होंने असेसमेंट लिया, तभी हमें पता चला कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। तो यहीं पे स्टाफ ने हमें मोटिवेट किया कि हमें यहाँ पे ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, रादर देन हम लोग एक स्कूल में भी पता करने गए थे मेमोरियल स्कूल में, बट उन्होंने कहा आपको थेरेपी की बहुत ज़रूरत है बच्चे के लिए। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया और मैम की गाइडेंस में कि नहीं आपको करना ही चाहिए, तब हम लोगों ने मोटिवेशन हमें बहुत मिला इस चीज से। तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट अभी हमें दिख रहा है और हमें होपफुली हमें अच्छा लग रहा है। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स को एहतियात से बच्चों के लिए दोस्ताना माहौल के साथ डिजाइन किया गया है। सेंटर्स काबिले रिसाई और जमालियाती तौर पर डिजाइन किए गए हैं। माहौल में एक ही छत के नीचे खिदमात और सहूलियात फराहम करने के लिए अच्छी तरह से इन्हें लैस किया गया है। इन खिदमात में बच्चों की स्क्रीनिंग की सहूलत भी शामिल है, जो खतरे में पड़ने वाले केसेस की निशानदेही करती है और उन्हें मुनासिब बहाली की देखभाल के लिए भेजती है। इन मराकज में स्पीच थेरेपी, पेशावराना थेरेपी और फिजियोथेरेपी जैसी इलाज मुआलजे की खिदमात का भी इंतजाम किया गया है। वालदेन की मशावरत और तरबियत के साथ साथ साथियों की मशावरत भी यहाँ पर दस्तियाब है, ताकि वालदेन को बच्चों की जरूरियात को पूरा करने के काबिल बनाया जा सके। रमा त्यागी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब गैर मुल्क की खबरें। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने कल कांग्रेस से मुल्क में बंदूक के तशद्दुद पर काबू पाने के लिए आम इसलाह की अपील की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कांग्रेस से मुहलक हथियारों पर पाबंदी लगाने के पस मंजर की जांच को वसी करने और दीगर इकदामात को नाफिज करने की अपील की। गन वायलेंस आर्काइव के मुताबिक 31 मई तक अमरीका में 2023 में 17,000 से ज़्यादा लोग बंदूक हमले के नतीजे में हलाक हुए हैं, जिनमें खुदकुशियाँ भी शामिल हैं। इस तादाद में 12 साल से कम उम्र के 109 बच्चे शामिल हैं। और अमरीकी सदर जो बाइडन ने आज कहा है कि वो अमरीकी कर्जों की हद को बढ़ाने और अखराजात को रोकने के लिए इस हफ्ते कांग्रेस के मंजूर करदा बिल पर दस्तखत करेंगे। सख्त मुश्किल बातचीत के बाद सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान दोनों ने एक ऐसा बिल मंजूर किया है जो हुकूमत के 31.4 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज की हद को ख़त्म करता है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया है कि अगर कांग्रेस इस बिल की मंजूरी में नाकाम रहती है तो अमरीका को 5 जून तक अपनी माली जिम्मेदारियों में नाकाम होने का खतरा होता और ये जून के अवाइल में पहला डिफॉल्ट होता। बिल की मंजूरी पर अपने पहले खिताब में बाइडेन ने इस माहदे के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने इस इत्तफाक राय को अमरीकी जमहूरियत के काम करने का वाहिद रास्ता करार दिया। अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल 200 भारतीय माही गिरोह और 3 दीगर कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया। वजीर खारजा ने के इस ऐलान को पाकिस्तान के इंसानी अख्तियार के तौर पर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकाम ने गुज़िश्ता माह 198 भारतीय माहीगिरों को रिहा किया था, जिन्होंने मुल्क की समुद्री हदूद में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। इन माहीगिरों को कराची की जेल में बंद किया गया था। इन कैदियों को वाघा बॉर्डर पर भारत के हवाले किया गया। वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की इंसानी हमदर्दी के मामलों पर सियासत ना करने की पॉलिसी के मुताबिक इकदाम है, क्योंकि हमदर्दी को सियासत से बालातर रखना चाहिए। एडी फाउंडेशन ने जो कैदियों के कराची से लाहौर तक के सफर के लिए फंड्स फराहम कर रही है, ताज़ा तरीन पेशरफ्त की तस्दीक की है। एक ऑफिसर ने बताया कि कैदियों को वाघा बॉर्डर पर भारतीय अफसरान को सौंपा जाएगा। और आइए अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा।
नासरीन, उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोजनामा इनकलाब से, और ये ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी से मुतालिक है। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी का मुतालबा तेज होता जा रहा है, 9 जून का अल्टीमेटम दिया गया है। जिनसी इस्तेसाल के इस मामले में अब सियासत भी कहीं गर्माती नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ, इनकलाब से अगली सुर्खी। ओडिशा में भयानक तरीन ट्रेन हादसा जिसमें 900 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और 233 अफराद इसमें अभी तक हलाक बताए जा रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर राहत और बचाव कार्रवाई तेज़ी से जारी है। पूरी दुनिया से ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है इस अफसोसनाक हादसे पर। ट्रेन पटरी से उतर गई थी जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, इनकलाब से अगली सुर्खी। इंडियन मुस्लिम लीग पर राहुल गांधी का बयान, बीजेपी चराग़पा। बीजेपी ने जारियाना रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को सियासत के मैदान में इस तरह के बयान देने से पहले मुतअल्ला करना चाहिए। मुस्लिम लीग को सेकुलर कहना जो है ख़तरनाक है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ, बाहर से आने वाले हमारे अपने हैं, हिंदू मुस्लिम इतिहाद ज़रूरी, मोहन भागवत का बयान। नज़र डालेंगे अब सहारा की सुर्खियों पर, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी। आईपीसी की दफ़ा 12(4)(a) को बरकरार रखने की ज़रूरत, हटाने की कोई माकूल वजह नहीं है। लॉ कमीशन ने 152 साल पुराने गद्दारी कानून के हवाले से अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। इसके बाद की जो सुर्खी है वो भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, कांग्रेस का कर्नाटक में 5 जमानतों को नाफिज करने का ऐलान, हर घर में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान किया गया है जो 1 जुलाई से नाफिज किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अखबार मशरक की तरफ, मणिपुर के कई इलाकों में हालात मामूल पर, कर्फ्यू में फिलहाल नरमी। अगली सुर्खी मणिपुर के कई इलाकों में हालात मामूल पर, कर्फ्यू में नरमी। और हमारा समाज की सुर्खी है, ससोदिया को बीमार अहलिया से मुलाकात के लिए 1 दिन की जमानत फिलहाल मिली है। नजर डालेंगे अब आज की भागदौड़ की जिंदगी में किस तरह से सुकून के लम्हात हासिल किए जाएं, बेचैनी का अक्सर लोग शिकार रहते हैं, तो ऐसे में योगा लोगों की मदद करता है। योगा सत्र में आचार्य प्रतिष्ठा बता रही हैं कि योगा के जरिए आप किस तरह से अपनी बेचैनी से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। एंग्जाइटी बहुत सुंदर बात है कि जब हम अतीत में जीते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है, और जब हम फ्यूचर में जीते हैं तो हमें एंग्जाइटी होती है। इसीलिए योग हमें सिखाता है आज में जीना, बिकॉज लाइफ रिजाइड्स इन दिस वेरी मोमेंट। हमें नियमित योग साधना करके अपनी एंग्जाइटी से बाहर आना है। एंग्जाइटी कई और समस्याओं की जननी है, यानी एंग्जाइटी से पेट भी खराब हो जाता है, एंग्जाइटी से अनिद्रा की स्थिति भी हो जाती है, एंग्जाइटी से कभी कभी कुछ लोगों को फेशियल एंग्जाइटी भी होती है, यानी फेस का कोई एक हिस्सा अलग ढंग से कार्य करने लगता है या स्टिफ हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं एंग्जाइटी के साथ आती हैं। आपको एंग्जाइटी को गुड बाय कहना है, इतना भी कठिन नहीं है अगर आप नियमित रूप से करें योग साधना। आपको नियमित रूप से करना है आनंद मुद्रा आसन का अभ्यास और पादादिरासन का अभ्यास। इनका अभ्यास इस ही सीक्वेंस में करना है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद मुद्रा, यथा नाम तथा गुणा, जिसे आनंद की, योग की मुद्रा का आनंद मिल जाए, जिसे योग की मुद्रा का आनंद मिल जाए उसके लिए जितनी भी और भौतिक जगत की मदिराएं हैं वो सब किसी काम की नहीं रहती हैं, क्योंकि उससे अनूठा कोई आनंद है ही नहीं। तो आप भी करें आनंद मदिरा का अभ्यास और पादादिरासन का अभ्यास। कैसे करना है आइए जानते हैं। आनंद मदिरा आसन के लिए वज्रासन की स्थिति लें, घुटनों के बल आ जाएं, एक पंजे को दूसरे पंजे पर रखें, एड़ी खुली रहे और खुली एड़ी पर अपने हिप्स को टिका दें। दाएं हथेली से दाएं टखने को पकड़ना, बाएं से बाएं टखने को पकड़ना, अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर, और अपनी गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें। इस स्थिति में आकर के भ्रू मध्य स्पेस बिटवीन द आईब्रोज पर पूरा ध्यान टिका दें। न किसी विचार को आमंत्रित करना, न किसी विचार को हटाना। जो भी विचार आ रहा है आने दें, जो जा रहा है जाने दें। पर्यवेक्षक बनकर, ऑब्जर्वर बनकर सिर्फ अपने विचारों को आते और जाते हुए देखना। यथा सामर्थ्य रुकना, फिर धीरे से आंखें खोल देना, गर्दन को आगे ले आना, हाथों को भी वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इसी के
के कॉन्टिन्यूएशन में हम करते हैं पादादिरासन, यानी दाएं हथेली को बाएं बगल में और बाएं हथेली को दाएं बगल में टिका करके गर्दन को आगे की ओर झुका करके ढीला छोड़ दें और नासाग्र टिप ऑफ द नोज पर पूरा ध्यान टिका दें। टिप ऑफ द नोज पर पड़ने वाली कूलिंग सेंसेशन को भी अनुभव करें, यथा सामर्थ्य रुकें, गर्दन सीधा कर लें, हाथों को भी वापस ले आएं, शरीर को ढीला छोड़ दें, पैरों को सामने की ओर फैला दें, हाथों को पीछे टिका दें, गर्दन को ढीला छोड़कर आराम की स्थिति में आ जाएं। इसका अभ्यास आप दो बार कर सकते हैं इसी कॉन्टिन्यूएशन में। क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें, लेकिन साथ में ये अवश्य ध्यान रखें कि योग मात्र कसरत नहीं है, योग एक जीवन शैली है। पानी खूब पिएं, आनंदित रहें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। योगा के बाद अब जानते हैं मौसम का हाल। इसी के साथ ही अब आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।